ఇక వివరణకు వెళ్తే సికింద్రాబాద్ బోయగూడలో తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ స్క్రాప్ గోదాంలో ఒక్కసారిగా భారీ మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో 11 మంది కార్మికులు అక్కడికక్కడే సజీవదహనమయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గోదాంలో మొత్తం 15 మందికి పైగా కార్మికులు ఉన్నట్లు గోదాం యాజమాన్యం తెలిపింది. మంటల నుంచి సురక్షితంగా ఇద్దరు కార్మికులు బయటపడ్డారు. మృతులంతా బీహార్కు చెందిన వలస కార్మికులుగా గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. గోదాం మొత్తం స్క్రాప్ గోదాం కావడం వల్ల మంటలు త్వరగా వ్యాపించాయని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు. 5 ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు ఆర్పారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. విషయం తెలిసిన వెంటనే మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ ప్రమాద స్థలి వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై మంత్రి సీఎస్ ఆరా తీశారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారంతా బీహార్ వాసులుగా గుర్తించారు. మృతులు బిట్టు సికిందర్, దినేష్ దామోదర్, చింటూ సికిందర్, రాజేష్, రాజు, దీపక్, పంకజ్గా గుర్తించారు. షార్ట్ సర్క్యూటే వల్లనే ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. बात है भोईगुड़ा जो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट. हम तमाम के आंख में आंसू आ गए जब हमें पता चला. फायर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, हमारा फायर डिपार्टमेंट जगह जगह काम करते रहता, मगर ऐसा एक्सीडेंट हमारे को देखने के बाद बहुत दुख हुआ है, क्योंकि 11 लोगों की जान चले गई जरी सी गलती की वजह से. गलती क्या है, लोग वहीं पर सो रहे थे. अगर वहां नहीं सोते लोग तो है पूरे के पूरे बच जाते थे, माली नुकसान होता था. हम इसलिए आज मीटिंग बुलाएगी, खासतौर से हमारे GHM कमिश्नर साहब को, DG साहब को, हमारे कमिश्नर्स को और हमारे होम डिपार्टमेंट होम सेक्रेटरी साहब भी और फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे. काफ़ी डिस्कशन चला कि आइंदा ऐसा वाक़ ना हो. वाक़े से यकीनन हमको बहुत दुख हुआ है. CM साहब भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके लिए एग्जीक्यूटिव साहब भी, CM साहब ने 5 लाख रुपये का सैंक्शन किया. मगर हमारे को इंसान की जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है. पैसा तो किसी के काम आता है मगर जान बड़ी अहमियत की होती है. आइंदा ऐसा वाक़ ना हो इसके लिए हम तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाएं और हमारे GHM से कमिश्नर साहब ने हैदराबाद में सराउंडिंग में यहाँ सिटी के अंदर जितने इस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद से कोई ऐसा नया गोडाउन चालू नहीं हुआ है, उसे कभी चालू करने नहीं दिए, मगर बरसों से कर रहे हैं. लोग कोर्ट को जाते हैं, कुछ ऑर्डर ला लेते हैं, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए कि ऐसे गोडाउन जहां आजू बाजू आबादी हो और ख़ास तौर से जो प्लास्टिक के गोडाउन बिजनेस करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रोडों से उठा कर लाते हैं, तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि जो आपका लेबर है उनके लिए किसी तरह से भी कुकिंग वहाँ नहीं करना चाहिए आपके गोडाउन में. दूसरा, आपके जो स्टाफ को है वो वहाँ पर सोने के लिए नई जगह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह करना चाहिए. इसके बारे में सख्त इकदाम लिया जाएगा. अगर कोई ऐसी गलती करेगी तो हम ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम यही चाहते कि एक बार हमें ऐसा हादसा होगा जिसकी हमें बहुत दुख है, हमको नहीं सारे तेलंगाना के आवाम को दुख है, सारे हिंदुस्तान के आवाम को दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों की जान हम अपनी जान के बराबर समझते हैं, उससे भी ज़्यादा अजीज समझते हैं. मगर आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो इसलिए हमारे तमाम ऑफिसर्स बिल बैठ बैठे हैं और आगे ही हम इसकी हिकमत अमली बनवाएंगे ताकि इसको रोकने के लिए, अगर शहर में जहाँ पर अगर ये इस टाइप के कारोबार किए जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा इमीडिएट. और उसके बाद बाहर होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो कानूनी जो ज़रूरी चीज़ें वो नाफिज की जाएगी. हम यही गुजारिश करते हैं तमाम इस टाइप के बिजनेस करने वालों का कि आप सब दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, किसी की जान गई तो जान नहीं दे सकते. तो उनके लिए जो आपके पास ख़ासतौर से अदर स्टेट का लेबर आता है तो लेबर को अकोमोडेशन वहाँ नहीं देना चाहिए. अगर वहाँ पे देंगे तो हमारे